ये है दोस्तों माफिया शेड की तरफ से जो मेरे को डिलीवर हो चुका है जो कि मेरी टी शर्ट और एक फुल स्लीव टी शर्ट थी और ये है डिलीवर हो चुका है ये बहुत ही लेट डिलीवर हुआ है इसको मैंने चार तारीख को ऑर्डर किया था चार सितंबर को और आज हो गई है लगभग चौदह सितंबर तो बहुत ही ज़्यादा ये लेट हुआ है दस दिन लग तकरीबन इसको लग गया है मैंने प्रीपेड किया था आप प्रीपेड करने की गलती मत कीजिए प्री पेड में पचास रुपये साठ रुपये बच जाते हैं मगर आप इसकी गलती मत कीजिए लोग बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं मिल तो जाता है उनको प्रोडक्ट पर बाद में वो शिकायत करते हैं क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हमें कंफर्मेशन नहीं हुआ कंफर्मेशन तो मुझे भी कंफर्मेशन कम से कम चार से पाँच दिन लग गए थे कंफर्मेशन के लिए तो ये आ चुका है फाइनली प्रोडक्ट और अगर आ चुका है तो इसलिए मैं खुश हूँ नहीं आता तो मैं उनको बहुत सारे मेल्स लिख चुका था जिसका जवाब वो दे तो रहे थे पर इतना जल्दी नहीं दे रहे थे ताकि जो सेटिस्फेक्शन हो सके तो सबसे पहले मैं आपको बाहर से बता ही देता हूँ ये देखिए इसका जो एम है वो यहाँ पर लिखा है टू फाइव सेवन टू फाइव सेवन और इसको जीएसटी वगैरह टोटल टैक्सी डाल के मेरे को दो मंगवाई हैं मैंने फ़ाइव फोर्टी वन की पड़ी हैं तो इसको जल्दी से खोल लेते हैं और आपको मैं दोनों टी शर्ट्स के क्वालिटी के बारे में बता देता हूँ पहला परचेज़ था मेरा यहाँ से मुझे ये दो पसंद आई थी तो मैंने लिया फेसबुक और आप जिसमें इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे तो इनकी काफ़ी एड्स वगैरह आती रहती हैं माफिया शेड्स के नाम से और काफ़ी अच्छा दिख रहा था उसमें तो अभी सामने देखना पड़ेगा कि कैसा है और ये है टी शर्ट्स एक और दो ये फुल स्लीव थी वो टी शर्ट थी हाफ और मैंने दो मंगवाई थी एक्सल में मंगवाई थी मैंने दो ये देखिए आपके सामने दो हैं एक मैंने वाइट में मंगवाई थी एक मैंने स्काई ब्लू में मंगवाई थी तो सबसे पहले मैं वाइट खोलता हूँ जो कि मेरा फेवरेट है और वाइट का खोल के बताता हूँ आपको कि कैसी है इसकी क्वालिटी देखने में तो अच्छी लग रही है और मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा स्टफ़ है और कॉटन लग रहा है मेरे को तो मैंने एक्सल साइज़ मंगवाया था अपने हिसाब से जो कि मुझे लग रहा है बहुत ये बहुत ही अच्छा है और मेरे तो आएगा फिट और यहाँ पे इसकी जो लोगो है बी ओरिजिनल का वो काफ़ी डिसेंट लग रहा है ऐसा नहीं लग रहा है कि वन वॉश में चला जाएगा बहुत ही डिसेंट लग रहा है और यहाँ पे इसके लोगो वगैरह लगे हैं और ये भी एक लोगो है और यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है और कॉटन की ये लग रही है अच्छी खासी कॉटन की लग रही है आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छी फील हो रहा है मेरे को और ये हंड्रेड कॉटन ही लग रही है मेरे को और स्टिचिंग वगैरह नॉर्मल है डिसेंट है इतनी बढ़िया नहीं है बट ठीक है पीछे से दो बार स्टिच किया हुआ है इसको और यहाँ पे इन्होंने एडवाइजरी दी गई है और पीछे कोई लोगो नहीं है सिंपल वाइट कलर माय फेवरेट बी ओरिजिनल तो इसको रखते हैं साइड पे अब आते हैं दूसरे पे जो कि मैंने फुल स्लीव मंगवाई थी क्योंकि सितंबर महीना चल रहा है उसके बाद आ जाएगा अक्टूबर तो मुझे फिर चाहिए फुल स्लीव उसमें भी मैंने सेम लोगों में मंगवाई थी औरिजिनल वाली और बट इसमें मैंने फुल स्लीव मंगवा ली थी तो ये मिस्टर शरीफ इनका मेन लोगो होता है आप जाके देखिए माफिया का ये देखिए यह यहाँ पे मिस्टर शरीफ लिखा हुआ है इनकी साइट है और यहाँ पे भी मिस्टर शरीफ लिखा गया है आप देख सकते हैं एक्सेल में और ये भी कपड़ा सेम है और एक्सेल में मैंने मंगवाई थी बहुत अच्छा कपड़ा लग रहा है कॉटन का कपड़ा लग रहा है और यहाँ पे फुल स्लीव है दो की यहाँ पर फुल स्लीव है दोस्तों और स्टिचिंग की जहाँ तक बात करें तो स्टिचिंग डिसेंट है ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं नॉर्मल स्टिचिंग है आप देख सकते हैं यहाँ से एक धागा निकला हुआ है नॉर्मल स्टिचिंग है ये दो इसको निकाल देते हैं और कपड़ा मेरे को अच्छा लगा है। कपड़ा कॉटन का है और बहुत ही हल्का आप समर में बहुत ही अच्छे से पहन सकते हो और मिड अगर थोड़ी ठंड है उसमें भी आप पहन सकते हो तो ये था टोटल मिला के इसका रिव्यू आप ले सकते हो बहुत ही अच्छा कपड़ा लगा है मेरे को मैंने पहली बार परचेज़ किया है यहाँ से माफिया शेड से आप बिना झिझक के ले सकते हो कैश ऑन डिलीवरी ले सकते हो प्रीपेड कर सकते हो तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं नई नई चीज़ें मंगवा के आपको रिव्यू देता रहूँ ताकि आपको शॉपिंग करना आसान हो जाए धन्यवाद